क्या हुआ? क्या कह रहे थे राजबाबू? राजबाबू को नौकरी से निकाल दिया गया है। राजबाबू को नौकरी से निकाल दिया गया? लेकिन लेकिन आप तो यहाँ हैं, फिर उनको कौन निकाला होगा? भैया और चाचा जी, और कौन? नैना जी, आप एक काम कीजिए, आप अभी पैकिंग कीजिए, हम सब जल्दी निकलेंगे यहाँ से। चिंता में घुलते रहने से कोनो बात नहीं बनेगा। हमारा विचार से तो उन्हीं से बात करना चाहिए। अरे, अच्छे घर की खानदान की लड़की बहुरिया से कैसे रखना चाहिए उसको पता नहीं है। और भैया, उसको नहीं पता है तो हम लोग नहीं समझाएंगे क्या? भैया एकदम सही बोल रही है तुम। अरे, हमारे खानदान का भी कोई रुतबा है, कोई इज्जत है। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि कोई भी बहू, कोई भी पतोहू जाके पब्लिक के सामने नाचना गाना शुरू कर दे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हरगिज नहीं किया जाएगा। आप ही बताइए, ये बर्दाश्त किया जाएगा क्या? हाँ, ठीक कह रहे हैं दूल्हा जी, बिल्कुल बराबर कह रहे हैं भैया। को हम भले ही अपने खानदान का हिस्सा हम नहीं मानते हैं, लेकिन दुनिया तो उसको हमारी बहू ही समझ रही है ना भैया। उन्हीं से बात करनी पड़ेगी भैया, इस तरह लगाम ढीला छोड़ने से काम नहीं बनने वाला है। हमको तो पहले से ही मालूम था कि वो लड़की ये घर में आके आंधी तूफान मचाएगी। ये घर की मान प्रतिष्ठा आबरू सबको मिट्टी में मिलाए देगी। और पुनीत भैया कैसे, क्योंकि हमें हाँ मिलाए जा रहे हैं। अगर ये सब हम किए होते ना तो हमारी तो दुर्गति बन गई होती। दुल्हन, अब आप अपना कुरान खोलकर मत बाजने बैठिए। यहाँ हम वो लड़की की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। जब देखिए तब अपना रोना लेके बैठ जाती हैं आप। जाइए जाइए यहाँ से। जी, कुछ सोचा आपने? अरे कुछ कहिए ना, या यहाँ चुपचाप ऐसे ही बैठे रहेंगे? चुप्पी साथ कर। हवा में बोले, हवा में बोले। अरे गजबे करते हैं आप भाई। अरे पुनीत आएगा तब ना बात करेंगे। आने दीजिए, साफ साफ बात करेंगे कि अगर ये सब कुछ करना है तो इस घर में उसके लिए कौनो जगह नहीं है। चतुर गिद्ध, नदी में एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन एक गिद्ध पानी पीने नदी के किनारे गया और पानी में घुसकर पानी पीने लगा। मगरमच्छ ने उसे अरे मामा आ गए, मामा आ गए। जी सब अच्छा है, सब बढ़िया। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, दीदिया नहीं दिखाई दे रही है? पूजा कर रही है। आइए ना मामा, मैं आपको लेकर चलता हूँ। मिठाई मिठाई खाई। अरे हमको भी तो मुबारक खिलाओ ना। अरे दीदी मिठाई खाओ,
अच्छा जाने दो जाने दो। तुम हमको ये बताओ कि किस बात की मुबारक, किस बात की खुशी, कब नो लॉटरी वॉटरी लग गई तुम लोगों की? तेरी की है? अरे दीदी लॉटरी लगी नहीं है, लगने वाली है, वो भी तुम्हारी। हम तो कब लॉटरी वॉटरी खरीदते, वो लॉटरी के बाद थोड़ी हो रहा है। तो कौन सी लॉटरी की बात हो रही है? अरे नैना बिटिया, तुम्हारी नैना बिटिया, वो भी बहुत बड़ी लॉटरी है, तो बहुत बड़ा खानदान में शादी हुआ उसका। पता है, और उसका जो पति है ना बहुत बड़ा सिंगर है। वो भी पता है हमको। बहुत बड़ा खानदान में शादी हुआ उसका। पता है, और उसका जो पति है ना बहुत बड़ा सिंगर है। वो भी पता है हमको। तभी नहीं पता होगा कि वो भी बहुत बड़ी सिंगर बनने वाली है। तुमको किसने बताया? अरे पैसा कमाएगी तो। अरे कैसे पता चला? अरे दीदिया तुम जो ना दिन भर टीवी में सीरियल देखते हो, न्यूज नहीं देखती क्या? अरे न्यूज देखकर हम क्या करेंगे, हमको कौन सा देश चलाना है? हाँ। भैंस का भैंसे रहोगी तुम। अरे मेरा खींच कर मेरा बुढ़ बक। अरे मतलब कहावत बोले ना, पूरा फिट बैठता है वो कहावत तुम्हारे ऊपर। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठे पकड़ाओ। अरे पूरा दुनिया जानता है, तुम क्या नहीं जानती भैया? अरे का पता है का नहीं पता है, अनाप शनाप ही बकते रहोगे, कुछ बताओगे भी हमको? अरे दीदी तुम जो हो ना सब बतवा के चीर फार करके ऑपरेशन कर देती है। अरे वो जो है ना सब न्यूज चैनल पर छाई हुई है। कवनो खुशी में बताते हैं तुमको, पुनीत बाबू की एक जगह प्रोग्राम था। हाँ। पुनीत बाबू ने उसको भी साथ में गवाया। अच्छा। जब वो गाई तो पब्लिक उसके गाने का दीवाना होके पुनीत बाबू को छोड़ दी। सच्ची? हाँ। अब इसीलिए थोड़ी मिठाई लाए, इतना महंगा 350 रुपए किलो है, बाबू को के थोड़ी लाएंगे। मतलब अगर लोगों को उसका गाना इतना ही पसंद आया है तो फिर तो पैसा भी खूब मिलेगा। खूब पैसा मिलेगा, बस खाली अपने बात में मुलायमियत रखना, क्योंकि उसके कमाई से ही हम लोग का एकदम जेब भरना है। पूरा झनझन पैसा ही गिरेगा, पूरा उमरा में आएगा, पूरा गठरी उठरी झोला उमरा भर जाएगा पैसा, बाल्टी में आएगा, अंडा में आएगा, दौरा में आएगा, पैसा ही पैसा दीदी, पूरा झोला में आएगा पैसा ही पैसा भैया। अरे हमको कौन संभाले भैया? माजी वो पुनीत भैया और नैना भाभी जी आ गए हैं। पुनीत आ क्या? हाँ माजी। उनसे जाके कहिए अभी अंदर ना आए, हम आते हैं। ठीक है माजी। हे महारानी मैया, हमरे पुनीत को सदबुद्धि दीजिए, जैसा वो पहले था वैसा दीजिए, और हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने परिवार की रक्षा कर सकें। भैया जी अभी अंदर मत आइए, वही रुकी है, माजी आ रही है। अच्छा ठीक है। जीते रहिए, खुश रहिए। इतना नाम कमा के आए हो, आरती तो उतारनी पड़ेगी ना। आइए। अरे अरे बबुआ जी खुश रहिए। अरे वाह क्या बात है बबुआ जी, हम तो आपका टीवी का प्रोग्राम देख करके बहुत खुश हुए। आपके नाम का तो डंका चारों तरफ बजा हुआ है। वाह वाह क्या बात है। प्रणाम चाची। खूब खुश रहो और खूब नाम कमाओ तुम दोनों। अरे अरे भैया जी हो गया आइए ना आइए। चलिए
सदा सुहागिन रहो, सारा सुख मिले तुम्हें। सुरभि जी आई। देखिए तो कौन आया इतना रात को। आ रहे हैं। भैया जी वो बाबूजी आपको नीचे बुलाया है अपने कमरे में। अभी? हाँ अभी। अभी तक वो सोए नहीं? नहीं वो नहीं सोए है और आपको जल्दी नीचे बुलाया है। भैया जी वो बाबूजी आपको नीचे बुलाया है अपने कमरे में। अभी? हाँ अभी। अभी तक वो सोए नहीं? नहीं वो नहीं सोए और आपको जल्दी नीचे बुलाया है। ठीक है चलो हम आ रहे हैं। ठीक है भाई। सुनिए क्या हुआ, क्या बात है? पता नहीं जाकर देखता हूँ, कोई जरूरी बात करनी होगी शायद से। हाँ मुझे चलेगा। आप परेशान मत होइए, हम जाकर देखते। आप सो जाइए। जी बाबूजी, आपने बुलाया। अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर ले। जी बैठ जा। हम कह रहे हैं कि बैठ जाइए। बाबूजी इस वक्त बुलाया आधी रात को, क्या बात है? पुनीत हम लोगों को तुमसे एक जरूरी बात करना है। जी कहिए ना बाबूजी, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आधी रात को आपने हमें बुलाया? साहब देखो कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। कहा है कि तुम इतने दिनों से बाहर थे तो बाबूजी का एकदम से मन किया कि तुमसे बतिया लिया जाए, तो बाबूजी ने बोला अभी बुलाओ तो बुला लिया। और कोई बात नहीं पुनीत, बतियाना ही है कि बहू को तुम गवाह कर अच्छा नहीं किए। ये घर की बहू वो भी सबके सामने गाना होना गाए, हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें ऐसा कौन सा गलत काम हो गया बाबूजी? और फिर गाना गाने में बुराई ही क्या है? बुराई तुम्हारी नजर में नहीं है लेकिन हमारी नजर में है। समाज और बड़े बुजुर्गों की नजर में एक कुलीन घर की बहू वो भी सबके सामने गाना गाए, इसमें बुराई नहीं पाप है। पाप कल लोग हम पे ताना मारे, उंगली उठाए, ये हम नहीं सह सकते। समझने का कोशिश करो बेटा। बाबूजी हम दुनिया और समाज के डर से नैना की प्रतिभा को सड़ने दें, उसकी प्रतिभा में जंग लगने दें बाबूजी। इसका मतलब ये है कि तुम मानोगे नहीं, बहुरिया से नचवाओगे गवाओगे, हमारी इज्जत के नीलामी का ठेका ले लिया है तुमने, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? आप ही तो कहते हैं बाबूजी कि नाचना और गाना कला है,
राज बाबू। राज बाबू आप यहाँ आइए। किसने बुलाया आपको? जी वो हमने बुलाया है राज बाबू। राज बाबू हमारे साथ ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे, क्योंकि राज बाबू के बिना हम अधूरे हैं। क्यों राज बाबू, सही कहा ना हमने? चाचा जी आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी? ये राज बाबू घर गए जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। आपने और भैया ने मिलकर राज बाबू को निकाला था। हम जान सकते हैं कि झूठ बोलने की वजह क्या थी? खैर वजह जो भी रही हो, लेकिन राज बाबू अब यहीं रहेंगे। ये राज बाबू अब कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे।